सभी किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 24 दिसंबर 2021 वार है शुक्रवार। समय की अगर बात करें तो 12:15 बजे का समय हुआ। किसान मित्रों, वीडियो लेट डालने के लिए माफ़ी चाहता हूं। वीडियो मेरे 11 बजे आ जाते हैं इंदौर मंडी के, लेकिन आज इंदौर मंडी का जो वीडियो 12:15 बजे मैं बना रहा हूँ, ये 12:30 बजे तक आपके पास आएगा। किसान मित्रों, वीडियो में संपूर्ण सटीक विश्वसनीय तरीके से आपको जानकारी दी जा रही है इंदौर की चौतरा मंडी की, प्याज संबंधित, लहसुन संबंधित और आलू संबंधित। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अगर पूरा देखा तो ही आपको पता चलेगा एक्चुअल भाव। बात कर लेते हैं किसान मित्रों इंदौर की चौतरा मंडी की, आज के प्याज के आवक की। तो किसान मित्रों, आज की जो आवक की अगर बात करें तो 40 से 45 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है हाल फिलहाल अभी तक 11 बजे 11:30 12 बजे तक की। और बात कर लेते हैं किसान मित्रों बैलेंसिंग माल की, तो बैलेंसिंग माल पड़ा हुआ है करीबन 15 से 17 हज़ार कट्टे, टोटल मिला के 62,000 कट्टे दिख रहे हैं किसान मित्रों अभी हाल फिलहाल मंडी में। अब बात कर लेते हैं किसान मित्रों आज का जो है देसी प्याज का रेट इंदौर मंडी का क्या रहा। इंदौर मंडी में किसान मित्रों 50 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से लगा के 250 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन प्याज बिका है। गोल्टी प्याज की बात करें तो 500 रुपये से लगा के 1200 रुपये प्रति कुंटल किसान मित्रों। गोल्टा प्याज की अगर बात करें तो 1200 रुपये से लगा के 1400 रुपये। फुल गोला साइज़ की अगर बात करें किसान मित्रों तो 1400 रुपये से लगा के 1600 रुपये। अगर एक्स्ट्रा सुपर VIP जो प्याज होता है किसान मित्रों, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का 55 से 80 mm प्याज होता है, देसी प्याज की बात कर रहा हूँ, जो सिंगापुर, यूरोप और अरब कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, वो बिका किसान मित्रों 1600 रुपये से लगा के लास्ट पोजीशन किसान मित्रों 1900 रुपये। 1,00,000, 2,000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 ये मायने नहीं रखता है। एक्चुअल जो भाव है किसान मित्रों वो है 2000 के अंदर अंदर देसी प्याज का। अब बात कर लेते हैं किसान मित्रों नए और नासिक प्याज की। नए नासिक प्याज में 50 रुपये छाटन की बात कर रहा हूँ, नए प्याज में छाटन की अगर बात करूँ तो 50 रुपये कट्टा से लगा के 500 रुपये प्रति कट्टे तक बिका है किसान मित्रों। गोल्टी का अगर बात करें 700 रुपये से लगा के 1200, 1300, 1400 रुपये तक की अच्छी गोल्टी 1400 रुपये तक बिकी किसान मित्रों। अब बात कर लेते हैं गोल्टा प्याज की, 1500 रुपये से लगा के 1800 रुपये। फुल गोला साइज़ की बात करेंगे 1800 रुपये से लगा के 2100 रुपये। अब बात आती है किसान मित्रों डबल पत्ती लाल प्याज, सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी का जो प्याज होता है वो बिका है किसान मित्रों 1900 रुपये से लगा के 1900 रुपये से लगा के 2200, 2300 रुपये तक। 1,00,000, 2,400,000, 1,25,000, 1,26,000। तो ये 1-1 लाट का भाव अगेन नहीं करता, जो ज़्यादा बल्क में जो माल बिकेगा वही रेट मैं आपको बता रहा हूँ किसान मित्रों। बात कर लेते हैं लहसुन की, लहसुन की अगर बात करें तो 400 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 3500 रुपये प्रति कुंटल तक लहसुन बिकी किसान मित्रों इंदौर की चौतरा मंडी में। आलू की बात करेंगे 600 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1200-1300 रुपये प्रति कुंटल लोकल आलू बिका है। वहीं अगर स्टैंडर्ड आलू की बात करें जो चिप्स बनती है जिस आलू से, वो बिका है किसान मित्रों 1000 रुपये से लगा के 2000 रुपये का रेट। तो ये थी किसान मित्रों इंदौर की चौतरा मंडी की जानकारी। 3 बजे के लगभग में आपके पास एक फाइनल वीडियो आएगा इंदौर मंडी का। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा ताकि मेरे जो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके और आप वीडियो घर बैठे आराम से देख सकें। ये वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है किसान मित्रों, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और दूसरे किसानों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि आज की इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी में क्या रेट है। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।